तो आज बहुत दिनों बाद बादल देखने मिले तो सोचा टाइम लैप्स ले लेता हूँ। वैसे भी मेरे कौन से भी व्लॉग में ना मैंने आज तक बादलों का टाइम लैप्स नहीं लिया क्योंकि मेरे को कभी बादल दिखे ही नहीं आकाश में। अच्छे टाइम लैप्स लिए पर बादल वाला तो ये पहला टाइम लैप्स था। ऑलराइट, सो मेरा लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने अपने बाल काट लेते, आप लोग ने देखा होगा बहुत क्रेजी ब्लॉग है। तो वो ब्लॉग पे, वो वीडियो पे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए और मेरे को बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए। तो पीपल वर लाइक, भाई तूने ये क्या कर दिया, क्यों काटे अपने बाल ऐसे, क्या मजा है, क्यों किया ऐसी पागलपंती, ब्रो तेरे बाल पहले कितने अच्छे थे और काट के तूने ये क्या कर दिया, एकदम फालतू दिख रहे तेरे बाल। तो यस आई अग्री, इतने अच्छे नहीं दिख रहे, पहले बहुत अच्छे थे। एंड देयर वर आल्सो सम पीपल हु वर टेलिंग कि अभी जब तेरे बाल उगेंगे ना तो इधर से ये पार्ट से ज्यादा उगेंगे, ये पार्ट से कम, सो एवरीथिंग विल बी क्रूकेड अपीयर, ऐसे लोग बोल रहे थे। या That might happen, इधर से कम आएंगे, इधर से ज्यादा आएंगे, पर आएंगे ना वो इंपॉर्टेंट है। See, this all was crazy for me, this was fun for me, which turned out to be entertaining for you. I'm just happy with my haircut, मेरे को इतना कुछ नहीं लग रहा, मैंने एक अलग स्टाइल बना लिया मेरा। पहचाना इनको? अरे यही तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन को इतना मजेदार बनाया था। आई मीन अभी भी वक्त को मजेदार बनाते यार है। WWE सुपरस्टार्स, एक्चुअली ये गेम है WWE सुपरस्टार्स का गेम। तो बेसिकली दिस इज अ थंब रेसलिंग गेम। WWE सुपरस्टार्स के फिगर्स को आपके थंब में डालो, ऐसे घुसाओ अंदर, मतलब एक आप अपने दोस्त को दो और एक आप अपने पास रखो और हम लोग थंब रेसलिंग कैसे करते हैं, वैसे यू फाइट विद ईच अदर। डिजाइन भी एकदम एक्यूरेटली किया, देखो ट्रिपल एच, तो इज्जत से ट्रिपल एच दिखता ही है, जॉन सीना भी काइंड ऑफ दिखता है। सो आई गॉट दिस व्हेन आई वाज अ किड एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ किड आई वाज अ ह्यूज ह्यूज WWE फैन। तो पहले हर रात 10:30 को WWE आता था टीवी पे और मैं एक भी मैच नहीं छोड़ता था, आई यूज्ड टू वॉच द होल शो। और तभी मेरा शेड्यूल ही था 9 बजे खाना खाने का, 9:30 तक खाना होता था, आधा घंटा टाइम पास करने का या फिर डेजर्ट खाने का। और जब भी 10:30 बजता है मेरा बीन बैग लेके आता था, टीवी के सामने बैठता था एंड WWE इज ऑन, मतलब एक हैबिट जैसा ही बन गया था 10:30 को भाई WWE देखना ही। हर रोज देखता था, नेक्स्ट दिन स्कूल रहता ना तो भी हर रोज देखता था। जब भी वो रेसलर सब लोग एंट्री करते ना मैं भी उनकी डिट्टो स्टाइल मारता था और वो टीवी के सामने चिल्लाता था ये इतना पागल था मैं WWE के पीछे, क्या बताऊं। ओके, सो नाउ स्टोरी टाइम। तो अभी तो आपको पता चल ही गया होगा मैं WWE का बहुत डाई हार्ड फैन था। तो बैक इन द डेज, आई गेस इन 2010, 2009 और 2008, आई डोंट रिमेंबर नाउ, तभी WWE का ऑफिशियल मर्चेंडाइज, रेसलर्स जो पहनते उनके टी-शर्ट्स, उनके कैप्स, उनके रिस्टबैंड, वो सब वो इंडिया में नहीं मिलता था। तभी भी मैंने इंटरनेट पे उनको बहुत ढूंढा पर नो यूज, मेरे को किधर भी नहीं मिला। एंड इफ यू कंपेयर दिस विद US, तो USA में सब कुछ मिलता था WWE का, जो चाहे वो यूज टू डिलीवर, WWE का ऑनलाइन शॉप था। सो यू नो आई रियली वॉन्टेड सम मर्च ऑफ WWE और जॉन सीना को तो स्पेशली चाहिए बिकॉज जॉन सीना। और तभी थोड़े दिन बाद कुछ काम से मेरे डैड US गए थे सैन फ्रांसिस्को और मैंने उनको बोला आपको जो कुछ भी WWE का दिखता है ना उधर उठा लो bring it, I freaking want it. So my dad was like, okay. So even these thumb figures my dad got it for me from USA. मैं थंब रेसलिंग तभी खेलता भी नहीं था, मैंने ये खरीद के बोला था अपने आप को कि मैं थंब रेसलिंग खेलूंगा और जब ये घर पे आया ना मैंने एक भी बार थंब रेसलिंग नहीं खेला। सो हाँ तो मैंने थंब रेसलिंग तो नहीं खेला, इसलिए आज ये मेरे घर पे शोपीस जैसे ऊपर बैठते हैं, वो शोपीस जैसे एकदम अच्छे दिखते हैं और आज इनको देख के मुझे याद आता है हाँ भाई ये US से लाए थे, US की एक मेमोरी पे रहती है एंड मैं WWE का कितना डाई हार्ड फैन हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तो मेरे डैड ने ये लाया और दूसरी चीज मेरे को जॉन सीना के रिस्टबैंड्स बहुत अच्छे लगते थे, पर अभी जॉन सीना के रिस्टबैंड्स कौन से भी स्टोर में नहीं मिल रहे थे तभी US में, तो आई टोल्ड हिम ऑर्डर ऑनलाइन, बट ही वाज देयर फॉर 1 वीक और WWE का ऑनलाइन स्टोर दिखा रहा था 1 वीक के बाद या 1 वीक के पहले, कभी भी आ सकता है, मतलब अगर 1 वीक के बाद आता तो हमारा पैसा वेस्ट, 1 वीक में आ जाता तो अच्छा हम लोग को मिल जाता। तो मैंने एकदम जिद पकड़ ली, मेरे को चाहिए, मेरे पापा को एकदम तंग कर दिया, सो ही हैड टू ऑर्डर दैट, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सो ही ऑर्डर्ड इट एंड लकीली द रिस्टबैंड्स केम बिफोर 1 वीक। अभी ये रिस्टबैंड्स मेरे घर पे, ये एक हेडबैंड आया, पूरा सेट आता था, 2 रिस्टबैंड आते थे पर मेरा एक रिस्टबैंड गुम गया sadly. So this is John Cena's wristband, Cena approved, hustle royalty respect. And just to let you know, WWE store से मंगाया था. You can see this. Only original WWE products पे रहता है. Focus हो ना, इज्जत जाएगी वरना मेरी. Just kidding. There you go. As you can see, WWE authentic. अभी lockdown में काम आया था बीच में, अभी मेरे बाल बढ़ गए थे. Yeah. तंग करके रख दिया था सबको। एंड या बाय द वे नई पेंटिंग लग गई उधर, मैंने पहले वाले ब्लॉग्स में बोला था कि अभी नई पेंटिंग्स आएंगे, 3 स्क्रू है तो 1 पेंटिंग लग गई, मोर टू आवर लेफ्ट। Approaching the ring first from Charlotte, North Carolina, weighing 235 pounds, Sarth
but naked. Guys, so I also have this WWE Championship. So basically, ये championship मैंने WWE में जीती थी. हाँ, पहले मैं WWE में भी खेलता था. So तभी मैंने जीती थी. I'm just kidding, you know that. ये भी जब भी छोटा था तभी लिया था. ये इंडिया से ही लिया था. ये पुराना वाला था. अभी नया आ गया उतना मेरे को पता है. This looks cool on me. Actually, मैं आपको wrestler बना देता हूँ. But yeah, anyways, let me put my t-shirt back. Back then, I remember, मतलब जब भी मैं fifth में था ना, बहुत ऐसा trend जैसा आ गया था WWE का. Fifth standard तक मैं देखा और बाद में छोड़ दिया. पता नहीं क्यों. उसके बाद मैं WWE जरा भी नहीं देखा. But उसके बाद मैंने expect नहीं किया था कि मैं वापस WWE देखूंगा. This lockdown, ये lockdown में मैं WWE देखना वापस चालू किया. I don't know, और अभी देखता हूँ तो बहुत मजा आती है. मैं YouTube पे clips देखता हूँ, YouTube पे matches भी देखता हूँ. बहुत मजा आता है WWE देखने में. So that day I was having my lunch and watching WWE. So my mom came और मेरी मॉम 5 मिनट के लिए मेरे को स्टेयर करती है. बाद में मेरी मॉम 5 मिनट के लिए टीवी को स्टेयर करती है. And she just asked me, जैसे कि हर इंडियन मदर पूछती है, ये क्या वापस चालू हो गया तेरा. बट अभी तुम्हारा भाई ने वापस WWE देखना चालू कर दिया है. और जैसे कि मैंने बोला, बहुत अलग टाइप का मजा आ रहा है वापस. नॉस्टैल्जिया टाइप भी लग रहा है. और उसके वजह से WWE 2K17 भी खेलता हूँ PS4 में मैं. So yeah, it made me remind of my good old days. All right, वापस लेट उठा. अभी तो लेट ही उठना, ये शेड्यूल बन गया. अरे ये खुला नहीं था. But anyways, I just realized, अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था कि मैंने ये YouTube फैन फेस्ट का टी शर्ट पहना है. पता तो था जब भी पहना, बट आई जस्ट रियलाइज, ओ माई गॉड, YouTube फैन फेस्ट. ये साल YouTube फैन फेस्ट हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस कोरोना वायरस सिचुएशन. वरना ये YouTube फैन फेस्ट में क्या कॉन्टेंट सोचा था ना मैंने, पर हो नहीं पाया. कुछ नहीं, नेक्स्ट फैन फेस्ट डायरेक्ट स्टेज पे जाना है. For that, y'all need to subscribe and support the channel. But man, honestly, YouTube fan fests are so much fun. उस दिन में हम लोग फ्रेंड्स के ग्रुप में लोग बात कर रहे थे, काश ये साल भी YouTube fan fest होता, because everybody were so hyped up to go to YouTube fan fest. अलग ही लेवल का मजा आता है यार उधर. But anyways, anyways, मेरे को ये पता चला कि कल 4:30 AM को बारिश गिरा था. As you can see, water. तो बारिश वापस चालू हो गई है. इतनी बारिश नहीं, थोड़ी बारिश गिरी थी, I guess. और अभी ऐसे तो बोला भी है, थर्ड को मुंबई में स्टॉर्म आ रहा है. It's forecasted now. You never know. तो देखते भाई थर्ड को क्या होता है. But let's only keep this much for today. I hope you enjoyed the story, meri WWE ki khani. So if you have enjoyed this vlog, make sure hit that like button, because if you hit the like button, YouTube pushes content to newer people's homepage, jisse ki mere channel ko support mil sakta hai. Aana na abhi next fan fest mein, to yaar daba do like button. Also comment on this vlog whatever you feel like and share with everyone. Sabko entertain karo ye lockdown ke period mein. And yes, subscribe to the channel if you're new. I'll see you in my next vlog. Bye. अभी चढ़ रहा हूँ.